दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर आदमी था। उस आदमी की एक पत्नी और एक गर्लफ्रेंड थी, और उसे नहीं पता था कि किसे चुनना है। उसने अपनी समस्या का उत्तर खोजने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को पूछने का फैसला किया। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने उससे पूछा कि मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और उसके हाथों में दो गमले दे दिए, एक गुलाब के साथ और दूसरा कैक्टस के साथ। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे कहा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इन दोनों गमलों में से किसी एक को चुनना है, तो आप किसे चुनेंगे? आदमी ने बुद्धिमान व्यक्ति की ओर देखा और स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि मैं गुलाब को ही चुनूंगा। बुद्धिमान आदमी मुस्कुराया और उसने अमीर आदमी को कहा कि आपने साबित किया है कि आप लापरवाह थे और दूसरी औरत की ओर आकर्षित हो गए। आप दोनों गमलों के लायक नहीं है, ना ही गुलाब के और ना ही कैक्टस के। कुछ पुरुष सुंदरता और सामाजिकता से प्रेरित होते हैं, जो सबसे चमकने वाली चीज को ही चुनते हैं। गुलाब देखने में सुंदर होता है, लेकिन जल्द ही मुरझा जाता है, जबकि कैक्टस भले ही वह पहली नजर में बहुत खूबसूरत ना हो, लेकिन ऐसा ही रहता है, इतने कांटों के साथ जो भी जलवायु से गहरा हरा हो जाता है। लेकिन जब खिलने का समय आता है, आपको एक सुंदर फूल प्रदान करता है। आपकी पत्नी आपकी सभी कमजोरियों, पतन और गलतियों को जानती है और आपसे प्यार करती है। कि आप कौन हैं? आपकी गर्लफ्रेंड आपको नहीं बल्कि खूबसूरत हिस्सों को चाहती है, आपकी मुस्कान, जीत, खुशी और पैसे। आपकी पत्नी आपके आंसू और आपके पराजय बहुत पसंद है। वह आपके लिए बेहतर और बदतर दोनों स्थिति में आपके साथ है। जब मुश्किल समय आएगा तो आपकी गर्लफ्रेंड चली जाएगी और किसी और को तलाश करेगी। आपकी पत्नी आपकी तरफ और आपके साथ ही रहेगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखना चाहिए। हम गुलाब को पाने के लिए कैक्टस का तिरस्कार करते हैं। कुछ इंसान बेवकूफ होते हैं, जिनके पास घर में ही हीरा और बाहर पत्थरों की तलाश करते हैं और आकर्षित होते हैं। तब मत देखो जब सब कुछ अच्छा लगे, चीजें इतनी लंबी नहीं होंगी। समय के साथ बुरी आदतें बदलना जरूरी है।